डिंपल यादव के चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का यू टर्न। क्या लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है अखिलेश डिंपल? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी खासा उत्साहित है। इतना ही नहीं, मिशन 2019 को लेकर वो नए सिरे से अपने चुनावी समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने पहले के फैसले पर यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। पार्टी से जुड़े सूत्र ने बताया कि डिंपल एक बार फिर अपने गृह क्षेत्र कन्नौज से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि अखिलेश यादव किसी सुरक्षित सीट से चुनावी ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने 2019 चुनाव में डिंपल को नहीं उतारने का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि इस सीट से अखिलेश खुद चुनाव लड़ेंगे। सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश और डिंपल के चुनाव में उतरने से यूपी का सियासी दंगल काफी दिलचस्प हो सकता है। कहा जा रहा है कि बीएसपी के साथ गठबंधन हो जाने के बाद एसपी अपनी चुनावी रणनीति पर दोबारा से विचार कर रही है और उसे भरोसा है कि इस बार वो ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि वो एक नई सीट से संसद में लौटना चाहते हैं, लेकिन ये सीट कौन सी होगी इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। वहीं पार्टी में वंशवाद बढ़ाने के बीजेपी के आरोपों पर एसपी प्रमुख ने कहा कि भगवा पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं और संगठन में भाई भतीजावाद को रोकना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सबसे ज्यादा राजनीतिक वंशवाद वाली पार्टी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साल 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली की थी। उसके बाद से ही इस सीट पर डिंपल यादव चुनाव जीतती रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव खुद के लिए कौन सी सीट चुनते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।